यो सब गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं प्रणय और आप लोग देख रहे हो लव डबल गेमिंग। तो आज के इसमें मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं तो बेहतरीन तरीके के कुछ स्पीकर्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स के बारे में। तो जल्दी देखिए कि क्या क्या है वो और कौन से हैं, ठीक है। तो गाइस ये है, मैंने मंगाया था यू अमेजोन से दो स्पीकर्स। एक है जेब्रोनिक्स के जेब एक्शन और दूसरा है मीवी के रोम 2, जो कि अभी जस्ट लेटेस्ट आया। तो देखते हैं दोनों का कंपैरिजन भी साथ में कर लेते हैं और दोनों का देखते हैं कि डिज़ाइन और ये सब कैसे मैच करता है, साउंड क्वालिटी कैसे मैच करती है, ठीक है। तो ये है वो दो जेब्रोनिक्स के एक्शन और उसके बाजू में है मीवी का रोम 2। तो ये रहा एक और ये, तो इन दोनों का आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ, वो भी अनबॉक्सिंग के साथ, ठीक है। और जैसे कि मैंने इसको यूज़ भी कर चुका हूँ वीडियो में, 3 दिन बाद का बता रहा हूँ, तो जिससे मैं चेक कर पाऊँ कि इसका बैटरी बैकअप कैसा था और ये कैसा था। तो पहले हम अनबॉक्स करते हैं जेब्रोनिक्स के एक्शन को, देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट और क्या क्या चीज़ें मिलती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमें सामने देखने को मिलता है वो है स्पीकर्स और रस्सी के साथ थैले में लिपटा हुआ, और क्या है फर्रे कुछ काम के नहीं, और ये है चार्जिंग के लिए केबल जो कि टाइप ए है, टाइप नॉर्मल वाले। और देखते हैं इसका डिजाइन, तो ये है ऐसा सर सिलेंड्रिकल, यहाँ पर है जेब्रोनिक्स का ब्रांडिंग, यहाँ पर है वूफर्स, यहाँ पर भी एक दूसरा वूफर्स, यहाँ पर आपको मिलेगा पावर बटन, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और मोड। अब मोड इसमें ये इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके अंदर आप रेडियो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो और वॉल्यूम से एक है कि आप वॉल्यूम से आप अपना चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको USB माइक्रो SD कार्ड, ऑक्स केबल और चार्जिंग का पोर्ट दिया जाता है जो कि वाटर प्रूफ रहेगा, ठीक है। और इसको हम लोग देखेंगे कि इसका साउंड कैसे आता है, ठीक है। तो एक मिनट में अपने मोबाइल में ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेता हूँ और गाना सुनते हैं, ठीक है। आपने देखा कि जेब्रोनिक्स का एक्शन का साउंड क्वालिटी और ये बेस ट्रेबल सब देख ले रही है। तो आते हैं हम लोग मीवी के रोम 2 पे, तो इसको भी अनबॉक्स करके देखते हैं। इसमें बैक पे ही सब कुछ फीचर्स दिया गया है जो कि न्यू भी है, यहाँ पर लिखा है पुश द लिमिट्स। तो अनबॉक्स करते हैं और स्टार्टिंग में मिलता है मीवी का ब्रांडिंग और पीछे है वेलकम टू द क्रू, ओके सही है।
दूसरा मूवी का, और उसके नीचे ओके QR कोड यानी कि उसका है उनका एप्लीकेशन, और ये वापस से फर रहे हैं जो कि अपने कुछ काम के लिए, और हम लोग निकालते हैं अभी स्पीकर्स। ओके तो ये है वो स्पीकर, और इसके साथ हमें ऑक्स केबल भी मिलता है और एक चार्जिंग केबल भी मिलती है, उसी से टाइप ए है ये भी है, और ऑक्स केबल साथ में भी है। तो ये है ये का रोड टू। ओके सही है, बिल्कुल अच्छा है, इसकी ब्रांडिंग सामने, ऊपर वॉल्यूम पावर बटन ऑन कर देते हैं, और सामने की तरफ भी एक मूवी की ब्रांडिंग और नेट। ओके तो इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं। जैसे कि आपने इसका भी साउंड सुन लिया है और कंपेयर करके देख लिया है कि फेब्रोरिक्स के वेब एक्शन और वीवी का रोम टू, आप खुद कंपेयर करके सुन के देख सकते हो कि इसमें कौन सा बेस्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले। थैंक यू सो मच, और खुश रहिए, ख्याल रखिए एक दूसरे का, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पसंद आ रहा है, और अगर प्राइसिंग जाननी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका प्राइसिंग, और इसका लिंक भी दे दूंगा, आप जाके ले सकते हो, ठीक है। और जैसे कि अगर आपको कुछ भी, अगर कुछ भी सजेशन या कुछ भी देना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, तो फिर मेरे डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, अच्छे लिए मिलते हैं अगले फिल्म पर।